अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स पर काम करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक न्यू मॉडल क्रिएट करना है प्रोडक्ट्स के लिए, फिर उसके लिए हम राउट और कंट्रोलर की फाइल क्रिएट करेंगे। तो चलिए मॉडल्स के अंदर आप क्या करें, एक न्यू फाइल बना ले और इसका नाम हम रखेंगे प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेव। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडल को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मोंगूस को इम्पोर्ट कर देंगे, इम्पोर्ट मोंगूस फ्रॉम मोंगूस। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्कीमा क्रिएट करेंगे, सो कॉन्स, और इसका नाम आप रख सकते हैं प्रोडक्ट स्कीमा इक्वल टू न्यू, फिर मोंगूस का इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर फिर हमको स्कीमा का ऑब्जेक्ट मिलता है, इसका हम यूज करेंगे। तो यह है फंक्शन, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और नीचे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हम साथ ही में। सो एक्सपोर्ट स्टेटमेंट आप जो है यूजर मॉडल में से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है ना, सेम इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देंगे, यूजर मॉडल के बदले हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे प्रोडक्ट मॉडल, और यहाँ पर यूजर्स के बदले हम कर देंगे प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर रेफरेंस में आपको प्रोडक्ट स्कीमा का रेफरेंस ऐड कर देना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट स्कीमा और नीचे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर मॉडल को कट करके आपको लिखना है प्रोडक्ट मॉडल, तो इसको हम कहीं से भी आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिक स्केलेटन हमारा यहाँ पर हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेम को एक्सपेक्ट करेंगे और इसमें टाइप ऐड कर देंगे, टाइप रखेंगे स्ट्रिंग, और रिक्वायर इसमें कर देंगे हम ट्रू, और इसके अंदर वैलिडेशन भी हम ऐड कर देंगे रिक्वायर्ड ट्रू के अंदर, जैसे कि प्रोडक्ट नेम इज रिक्वायर्ड। नेम के बाद में हम डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देंगे, सो डिस्क्रिप्शन टाइप इसका भी रखेंगे हम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको भी रिक्वायर कर देना, रिक्वायर इसको कर देंगे हम ट्रू। साथ ही में आपको वैलिडेशन मैसेज भी ऐड करना है, जैसे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, प्राइस को ऐड कर सकते हैं प्राइस, और प्राइस का टाइप हम रखेंगे नंबर, और रिक्वायर इसको भी कर देंगे ट्रू। सो आप एरे के अंदर इसको रख सकते हैं ताकि हम साथ ही में वैलिडेशन मैसेज भी इसके अंदर ऐड कर पाए, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट प्राइस इज रिक्वायर्ड, प्राइस हो गया। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। सो स्टॉक, स्टॉक का टाइप हम रखेंगे सेम स्ट्रिंग कर देंगे इसको, या फिर नंबर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा इसीलिए हम इसको भी नंबर कर रहे हैं। साथ ही में रिक्वायर इसमें भी हम कर देंगे ट्रू, और जैसे कि यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज हम सभी में ऐड कर रहे हैं, इसमें भी ऐड कर देंगे प्रोडक्ट स्टॉक रिक्वायर्ड, इसमें स्टॉक भी हो गया। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, सो कैटेगरी, और कैटेगरी में हमको क्या करना है, रिलेशनशिप भी इसमें मेंटेन करना है। हम क्या करेंगे, एक सेपरेट मॉडल कैटेगरी के लिए भी क्रिएट करेंगे, और वहां पे हम क्या करेंगे, उस कैटेगरी मॉडल को और इस प्रोडक्ट मॉडल को दोनों को जो है आपस में बाइंड कर देंगे, यानी रिलेशनशिप हम इसमें बिल्ड करने वाले हैं। सो कैटेगरी के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली देखिए आपको क्या करना है, इसका टाइप जो है ना उसको ऑब्जेक्ट आईडी बताना है। तो हम क्या करेंगे, मोंगूस का इस्तेमाल करेंगे, मोंगूस डॉट स्कीमा, स्कीमा के अंदर हमारे पास टाइप भी हमको मिलता है तो उसका हम यूज कर सकते हैं। सो टाइप्स, टाइप्स के अंदर हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट आईडी, इस ऑब्जेक्ट आईडी का हम यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट जब भी प्रोडक्ट क्रिएट होगा उसके साथ में आईडी आ जाएंगी, उसी तरीके से कैटेगरी भी क्रिएट होंगी तो उसके साथ में भी हमको आईडी बाय डिफॉल्ट मिलेंगी, तो उसी को हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, मंगूस की मदद से स्कीमा, स्कीमा के अंदर टाइप, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आईडी जो भी रहेंगे हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, और साथ ही में आप इसमें रेफरेंस ऐड कर देंगे। सो रेफरेंस में आप क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसको कैटेगरी में से गेट करने वाले इसीलिए मैं इसको कर देता हूँ कैटेगरी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इमेजेस भी गेट करेंगे। सो इमेजेस, इमेजेस रहेंगे एरे, एरे के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेम जैसा हमने यूजर में पब्लिक आईडी गेट की थी ना, क्योंकि क्लाउडनरी का हम यूज कर रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पर पब्लिक आईडी इसमें गेट करेंगे, पब्लिक आईडी ऑफ स्ट्रिंग, और उसके बाद में यूआरएल, यूआरएल भी क्या रहेगा, ये भी रहेगा टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग। सो ये दोनों चीजें हम गेट करने वाले। क्लाउडनरी में हम क्या करेंगे, अपलोडर का फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो बाई डिफॉल्ट हमको मिल जाता है, आई होप प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प को ऐड कर देंगे, सो यहाँ पे आप लिखेंगे टाइम स्टैम्प, इसको कर देंगे ट्रू, तो क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड की प्रॉपर्टी भी हमको साथ ही में मिल जाएंगी जिसका हम यूज कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट स्कीमा क्रिएट हो चुका है और ये मॉडल हमने सक्सेसफुली एक्सपोर्ट भी कर दिया। सेम उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरी के लिए भी बना सकते हैं, कैटेगरी मॉडल डॉट हेयर, और साथ ही में मैं क्या करता हूँ प्रोडक्ट मॉडल को ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसमें पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद आपको जो इसमें से सारी चीजों को रिमूव कर लेना, पहले नेम को चेंज कर लें, यहाँ पे हम करेंगे कैटेगरी मॉडल या स्कीमा है ना ये,
कैटेगरी स्कीमा, इसके अंदर कैटेगरी का नेम रखेंगे, बस इतना ही काफी आई थिंक, इमेजेस की तो जरूरत नहीं है इसमें। टाइम स्टैम्प ठीक है, टाइम स्टैम्प भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या फिर नेम के बदले भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक कैटेगरी ही रख सकते हैं ना, ये भी ज़्यादा बेटर है। सो आप क्या करें, यहाँ पे लिखें कैटेगरी और रिक्वायर कर देंगे, जैसे कि कैटेगरी नेम इज रिक्वायर, या फिर कैटेगरी इज रिक्वायर कर देंगे इसको। और हम क्या करेंगे नीचे, यहाँ पर प्रोडक्ट स्कीमा के बदले कैटेगरी स्कीमा। और देखिए यहाँ पर एक और आपको क्या काम करना है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट आईडी में रेफरेंस में देखिए क्या स्पेलिंग प्रोवाइड की है कैटेगरी की, ये कैटेगरी की स्पेलिंग, और आप यहाँ पे जो मॉडल क्रिएट कर रहे हैं ना, दोनों की स्पेलिंग सेम होना चाहिए, तभी जो है दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन होगा, वरना आपको जो है फिर एरर देखने मिल सकता है। और यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल के बदले आप क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे कैटेगरी मॉडल, और नीचे साथ ही में इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट मॉडल और कैटेगरी मॉडल क्रिएट हो चुका है। इनकेस अगर इसमें कुछ भी एरर आता है तो बाद में हम इसको फिक्स भी कर सकते हैं, सो डोंट वरी। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जो है दोनों के मॉडल क्रिएट हो चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, एपीआई इस पर काम कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे राउट्स के अंदर और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट राउट के नाम से। सो यहाँ पे आप लिखें प्रोडक्ट राउट्स डॉट जेएस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे एक्सप्रेस को, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट में हो गया ये। सो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ऑटो इम्पोर्ट में आपको कुछ इस तरीके से भी देखने मिलेगा, सो आप इसको फिक्स कर लिया करें। उसके बाद में राउटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सो कॉन्स राउटर इक्वल टू, फिर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करेंगे एक्सप्रेस, फिर उसके अंदर राउटर का फंक्शन इसको कॉल कर देंगे। नीचे हमको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट, फिर इसको हम क्या करेंगे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देंगे किसको, राउटर को। और यहाँ पे हम क्या करने वाले, राउट्स क्रिएट करेंगे। आई होप आप जो है थोड़ा बहुत इससे फेमिलियर हो चुके होंगे, सेव कर लेते हैं इसको। उसके बाद में हमको कंट्रोलर फंक्शन भी चाहिए, इसीलिए कंट्रोलर के अंदर एक न्यू फाइल, और इसका नाम हम रखेंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जेएस, और यहाँ पे आप फंक्शन बना सकते हैं। तो एक मैं फंक्शन बना के छोड़ देता हूँ, क्योंकि हम क्या करेंगे इनिशियल टाइम पर सारे प्रोडक्ट्स को गेट करेंगे, इसीलिए मैं कमेंट भी बना देता हूँ गेट ऑल प्रोडक्ट, और यहाँ पे एक फंक्शन बना के छोड़ देंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम मैं रखता हूँ गेट ऑल प्रोडक्ट कंट्रोलर इक्वल टू एन टी आर ओ फंक्शन, सेव कर लेते हैं इसको। राउट में हम क्या करेंगे, राउट भी बना देंगे साथ ही में। सो यहाँ पे कमेंट आउट भी बनाते चलता हूँ मैं, ताकि आपको याद रहे। इसमें हम क्या कर रहे हैं गेट ऑल प्रोडक्ट, उसके लिए हम राउट बना रहे हैं। सो यहाँ पे आप लिखेंगे राउटर, फिर हम क्या करेंगे गेट करने वाले, इसीलिए गेट फंक्शन, उसके बाद में यू आर एल पैटर्न, सो इसमें हम रखेंगे गेट डेट ऑल, और प्रोडक्ट स्टार्ट में रख लेंगे तो इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस ऑथ का इसमें भी इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर जरूरत नहीं, इस ऑथ के इसमें कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अभी जो कंट्रोलर हमने बनाया था ना गेट ऑल प्रोडक्ट्स कंट्रोलर, इसको इम्पोर्ट कर देंगे। सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली कंट्रोलर इम्पोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सर्वर डॉट जे एस की फाइल में इसको इम्पोर्ट करना है, जैसे हमने यूजर राउट को इम्पोर्ट किया था, उसी तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट राउट को भी इम्पोर्ट कर देंगे। तो प्रोडक्ट राउट फ्रॉम डॉट स्लैश राउट, राउट के बाद में हमारे पास है प्रोडक्ट राउट डॉट जे एस की फाइल। सो मेक श्योर आपको डॉट जे एस भी लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पर ई एस सी यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिंटेक्स यूज कर रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे एप डॉट यूज, यूज में स्लैश, फिर यू आर एल पैटर्न स्लैश ए पी आई स्लैश वी वन स्लैश प्रोडक्ट राउट है, इसलिए हम लिखेंगे प्रोडक्ट। उसके बाद में फिर राउट्स का पाथ आपको बताना है, हमारे केस में हमने ऑलरेडी इसको इम्पोर्ट करके रखा है प्रोडक्ट राउट, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली सेव भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर पे काम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसिंक कर लेंगे, एसिंक एरो फंक्शन। अब ये कॉल बैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे, कैच में कंसोल डॉट लॉक करेंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो, साथ ही में रिस्पॉन्स में सेंड कर देता हूँ रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, और फिर सेंड फंक्शन को कॉल करेंगे। सेंड में क्या करना है, सक्सेस हम क्या करेंगे यहाँ पे कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में मैसेज भी आप ऐड कर सकते हैं, ताकि हमको प्रॉपर आइडिया रहे कहाँ पर एरर मैसेज हमको देखने मिल रहा है। जैसे कि हम लिखेंगे एरर इन गेट ऑल प्रोडक्ट एपीआई, और जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर मैं पास करा देता हूँ। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हमको क्या करना है सारे के सारे प्रोडक्ट्स को गेट करना है, तो हम क्या करेंगे एक वेरिएबल में सारे प्रोडक्ट्स को स्टोर करा देंगे। तो प्रोडक्ट
इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर अवेट करेंगे, फिर हमको जो है प्रोडक्ट मॉडल का इस्तेमाल करना है। तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट मॉडल, देखिए आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ये इम्पोर्ट हो जाएगा। मेक श्योर आपको डॉट जी एस यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पर हमने डॉट जी एस को भी ऐड कर दिया। उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और सिंपली इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट को पास कराना है। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि सब कुछ इसमें फाइंड हो जाएगा। अब जैसे फाइंड हो जाता है तब हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, सो रेफ डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड में हमको क्या करना है यहाँ पे सक्सेस कर देंगे ट्रू। उसके बाद में फिर मैसेज भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ऑल प्रोडक्ट फेच सक्सेसफुली, ये मैसेज हमने ऐड कर दिया। उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको हम यहाँ पर एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, तो यहाँ पर हमने एज अ रिस्पॉन्स में भी उसको पास करा दिया। सेव कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारा पहला कंट्रोलर बन चुका है। अब इसको हम जो है टेस्ट भी कर सकते हैं, तो मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने पोस्टमैन को ओपन कर लिया, और प्रीवियस वाली जो भी है ना मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। मेक श्योर आप जो इसका फोल्डर स्ट्रक्चर भी बना के रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ नहीं है इसीलिए जो यहाँ पर मुझे फोल्डर स्ट्रक्चर का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। सो यहाँ पर प्रीवियस जितने भी उनको मैं जो है कट कर देता हूँ, इसमें सिर्फ एक लॉगिन का रखता हूँ, लॉगिन का इनफ है, और रजिस्टर का भी रख लेता हूँ। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा जो मेथड है वो सेम रहेगा, मैं लॉगिन वाला पार्ट भी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे इसको। अब हमारा जो एंड पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, जैसे कि एपीआई V1, V1 के बाद हमारे पास रहेगा प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोडक्ट प्लस फिर गेट डैश ऑन, तो ये हमारा एंड पॉइंट रहेगा। साथ ही में सर्वर भी रन कर देता हूँ मैं, तो चलते टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल, और मैं सर्वर डायरेक्टरी के अंदर स्विच हो जाता हूँ, सीडी सर्वर, और यहाँ पे हम लिखेंगे npm रन सर्वर, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। अच्छा यहाँ पर कुछ एरर है, मॉड्यूल नॉट फाउंड, ओके, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर प्रोडक्ट राउट, ये तो सही है। अच्छा यहाँ पर देखिए कंट्रोलर में जो है ना इसने ऑटोमेटिक डॉट जी एस नहीं लिखा, हम बार बार भूल जाते हैं, सो मेक श्योर आप बराबर से इसमें ऐड करिए, डॉट जी एस आपको लगाना पड़ता है। सेव, तो देखिए वापस से हमारा जो है सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है और डेटाबेस से भी कनेक्ट हो चुका है। चलते वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पर हम सेंड पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर बराबर से आ रहा है सक्सेसफुल, ऑल प्रोडक्ट्स फेच सक्सेसफुली। अभी हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है, अगर मैं डेटाबेस बता दूँ MongoDB मैं ओपन कर लेता हूँ कॉम्पास, और यहाँ पर जो है कनेक्शन स्ट्रिंग से मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, हमारे डेटाबेस का नाम है आरएन कॉमर्स, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट्स के नाम से भी हमारे पास एक कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। इसको ओपन करेंगे तो फिलहाल इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं है, इसलिए क्या शो कर रहा है हमको, एम्प्टी एरे यहाँ पर शो कर रहा है। तो जैसे इसके अंदर हम प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे ना तो फिर बराबर से यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स शो करेगा। तो फिलहाल तो हमारा गेट ऑल फंक्शन बराबर से काम कर रहा है, यानी ये जो राउट हमने बनाया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। इसी तरीके से आप जो है सिंगल प्रोडक्ट्स को भी गेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे चलते वापस राउट में, और यहाँ पर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट के बदले हम कर देंगे सिंगल प्रोडक्ट, और यहाँ पर गेट कर देंगे सिर्फ, ठीक है, या फिर सिंगल भी कर सकते हैं इसको, सिंगल प्रोडक्ट विथ डायनेमिक आईडी, क्योंकि आईडी के बेस पे हम प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं, और यह है सिंगल प्रोडक्ट, या फिर डायरेक्ट मैं आईडी कर देता हूँ, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एंड पॉइंट कैसा रहेगा हमारा एक बार बता देता हूँ, गेट ऑल के बदले क्या रहेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट की आईडी रहेगी इसके बाद में। सो अभी तो ये काम नहीं करेगा बराबर से क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन हम देख लेंगे ना एक बार, रिस्पॉन्स तो देख सकते हैं हम इसके अंदर, रिस्पॉन्स चेक कर लेंगे कैसा दिखता है। कमेंट बना देता हूँ मैं यहाँ पर, गेट सिंगल प्रोडक्ट, और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स गेट सिंगल, और स्पेलिंग मिस्टेक, ये है सिंगल प्रोडक्ट कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, अभी बना के छोड़ देंगे, सेव कर लेते हैं इसको, और प्रोडक्ट राउट में इसको इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट करेंगे सिंगल प्रोडक्ट को, देखिए आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा, सेव कर लेते हैं इसको, तो ये राउट हमारा सेव हो चुका है। चलते वापस कंट्रोलर के अंदर, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे एसिंक कर लेंगे, एसिंक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम इसमें भी रिसीव करेंगे, फिर उसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, सो ट्राई एंड कैच ब्लॉक, और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ मैं, और कैच में सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बचे, पेस्ट कर लेते हैं इसको, और एरर इन गेट सिंगल प्रोडक्ट कर देंगे इसको, तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट एपीआई। अब ट्राई में हम क्या करेंगे, सबसे पहले गेट करेंगे प्रोडक्ट आईडी को, काम
कहाँ से आईडी गेट होंगी? देखिए, यूआरएल में आपने जो भी नाम दिया है ना, तो ये आईडी और आप जो पैराम्स में से गेट करेंगे, यानी रिक्वेस्ट और पैराम्स में से गेट करेंगे, तो दोनों का नाम सेम होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी लिखा है, तो जब आप गेट करेंगे ना उसको, तब आपको जो प्रोडक्ट आईडी ही इसमें लिखना पड़ेगा। कैसे? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी को गेट करेंगे। गेट हम कैसे करेंगे, पहले से उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हमको सिंगल प्रोडक्ट मिलने वाला है, सो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोडक्ट इक्वल टू, फिर हम अवेट करेंगे। उसके बाद में हमारे पास है प्रोडक्ट मॉडल, और इसमें फाइंड बाय आईडी फंक्शन इस्तेमाल कर लेंगे। और हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पराम, पराम मतलब क्या होता है, पैरामीटर। यूआरएल में जो भी पैरामीटर है ना, देखिए यहाँ पर इसके बाद में जो भी वैल्यू रहेगी, तो ये क्या हो गया, ये पैराम्स हो गया। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर आप पोस्टमैन टूल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप जो है पैराम्स को ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैराम्स में से जो है ना आईडी को गेट करने वाले, तो यहाँ पर आईडी हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए, अगर ये फाइंड होता है तो हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। वैलिडेशन थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ उसको। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ नॉट प्रोडक्ट, अगर हमको प्रोडक्ट नहीं मिलता है तब क्या करो, इसको यहीं से रिटर्न कर दो विथ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में हम क्या कर सकते हैं, स्टेटस कोड कर देंगे 404, दैट मीन्स नॉट फाउंड, फिर सेंड फंक्शन, उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, और फिर मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, मैसेज जैसे कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड। कुछ इस तरीके से हम मैसेज भी यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया वैलिडेशन। बेसिक हम क्या कर रहे हैं, पहले शुरू आईडी की मदद से प्रोडक्ट को गेट कर रहे हैं। अगर हमको प्रोडक्ट नहीं मिलता है तब हम क्या कर रहे हैं, एरर रिस्पॉन्स यहाँ पर सेंड कर रहे हैं। और अगर हमको प्रोडक्ट मिल जाता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस डॉट स्टेटस ऑफ 200, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे यहाँ पे ट्रू, और मैसेज मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जैसे कि प्रोडक्ट फाउंड, और इसके बाद में जो भी प्रोडक्ट है उसको एज इट इज यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स में सेंड कर देता हूँ। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड वाला एपीआई भी बन चुका है, इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में और न्यू टैब बना लेता हूँ, और प्रीवियस वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। हमारा मेथड सेम रहेगा, गेट एंड पॉइंट हमको चेंज करना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, आईडी को पास कराना है। अभी फिलहाल हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है, तो हम कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कुछ इस तरीके से ऐड कर दिया, और सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है। ऑब्जेक्ट आईडी का भी हमको एरर इसमें देखने मिलता है, तो इसको भी हैंडल करना पड़ेगा। तो इसको हैंडल करने के लिए हम कोई ना कोई और अल्टरनेट वे देख सकते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे एक इफ कंडीशन बना के देख लेता हूँ मैं, इफ एरर डॉट कोड इक्विवेलेंट टू, कौन सा एरर हमको शो कर रहा था इसमें, चेक कर लेते हैं इसमें, कास्ट एरर, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी इफ एरर डॉट कोड इक्विवेलेंट टू, कोड ही लिखा था ना, एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, नेम है, ओके, एरर डॉट नेम कास्ट एरर है, तब क्या करो, रिटर्न करो, और सेम मैसेज हम यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर एरर के बदले हम क्या कर सकते हैं, एरर को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ मैं। मैसेज में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इनवैलिड आईडी करके देख लेते हैं एक बार, सेव, चेक कर लेते हैं इसको वापस। चलते वापस पोस्टमैन में, और मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये एरर बराबर से शो कर रहा है, मतलब ये परफेक्टली काम कर रही है कंडीशन, देख सकते हैं आप। मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ यहाँ पर, कास्ट एरर, यानी ऑब्जेक्ट आईडी का जो भी एरर रहेगा ना, तो उसके लिए हमने अलग से सेपरेट यहाँ पर एक कंडीशन बना के रखा है, और इन केस अगर एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर हमको मिलेंगी ना, तब ये बराबर से काम करेगा। जैसे कि फिलहाल तो नहीं है कोई भी वैल्यू अपने पास, अगर मैं सिर्फ आईडी पास करा के देख लूँ, क्लिक कर लेते हैं, इनवैलिड आईडी है। हम क्या कर सकते हैं, यूजर की आईडी को गेट करके ट्राई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लॉगिन में था ना, एक बार बॉडी पार्ट देख लेता हूँ मैं, ठीक है, लॉग इन कर लेता हूँ। तो देखिए ये यूजर आईडी है ना, सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, इसमें पेस्ट कर लेता हूँ, सेंड पर क्लिक करेंगे, तो देखिए प्रोडक्ट नॉट फाउंड, तो ये भी बराबर से काम कर रहा है। हम क्या कर लेंगे, पहले शुरू जो है ना क्रिएट प्रोडक्ट एपीआई क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद में फिर इसको वापस से आके टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी ये बराबर से काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास ना कोई प्रोडक्ट है ना उसकी कोई आईडी है, लेकिन वैलिडेशन तो परफेक्टली काम कर रहा है। तो डायरेक्ट हमको क्या करना है, जैसे प्रोडक्ट क्रिएट होगा ना, उसकी स्पेसिफिक आईडी हम यहाँ पर आके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्रिएट प्रोडक्ट पर काम करेंगे।